दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम आपको जिस जगह की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो रहस्यों से भरी हुई जगह है। वहाँ जाकर आपको इतिहास याद आएगा, आपको वो चैप्टर याद आएगा जो आपने अपनी हिस्ट्री बुक में बहुत ही शौक से पढ़ा था और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में कौंधे थे। तो दोस्तों, ये देश है पिरामिड्स का। जी हाँ, ये देश है उन लोगों का जो आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। ये देश है उन लोगों का जो देवी देवताओं की पूजा में विश्वास रखते थे। ये देश है उन लोगों का जिन्होंने दुनिया को कैलेंडर दिया। ये देश है उन लोगों का जो अपने इतिहास, रीति रिवाज और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इस देश का संबंध भारत से भी बहुत खास है। तो दोस्तों, कौन सा है ये देश? चलिए आपको बताते हैं और इस देश की सैर पर लेकर जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व के कोने पर स्थित मिस्र यानी कि इजिप्ट देश की सैर पर। दोस्तों, मिस्र का नाम सुनकर हमारे दिमाग में दुनिया की सबसे लंबी नदी, पिरामिड्स और रेत आने लगती है। इस देश की जड़ें 5000 साल पुरानी हैं। दोस्तों, इस देश ने पिरामिड्स को बनते देखा है। आज भी इंसानों के लिए ये पिरामिड्स रहस्य बने हुए हैं। मिस्र की बात करें तो वो प्राचीन सभ्यताओं वाला देश है। गीजा के पिरामिड्स के आसपास बने शहर को दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। 4000 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन गीजा के पिरामिड आज भी मजबूती से खड़े हुए हैं। मिस्र की बात करें तो वो उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में गाजा पट्टी और इसराइल से घिरा हुआ है। मिस्र पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया और दक्षिण में सूडान से घिरा है। इस वजह से मिस्र अफ्रीका और अरब एशिया को जोड़ता है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा मिस्र में मौजूद है और ये है पिरामिड। मिस्र की राजधानी काहिरा में ये मौजूद है। मिस्र की यात्रा पर जाने वाला हर व्यक्ति पिरामिड जरूर देखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये शहर हर इमारत से दिखाई देगा। जी हाँ, इसी के साथ ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स हैं यहाँ पर। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पिरामिड्स होते क्या है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पिरामिड्स के बारे में नहीं पता हो। दरअसल दोस्तों, पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजा रानियों का मकबरा था। जी हाँ, पिरामिडों का निर्माण प्राचीन मिस्र के शासकों के शवों को रखने के लिए किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राचीन मिस्र के लोग मौत के बाद के जीवन में विश्वास करते थे, यानी आफ्टर लाइफ। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि उन्हें एक आफ्टर लाइफ के लिए सख्त नियमों का पालन करना होगा। शव के साथ बहुत सारे ऐसे सामान रखे जाते थे जो डेली यूज के होते थे। आपको शायद मिस्र के बारे में ये बात ना पता हो, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी का देश है। लेकिन क्या आपको पता है इसका महत्व और भी बढ़ जाता है? जी हाँ दोस्तों, मिस्र की 95% आबादी नील नदी के किनारे पर रहती है। दोस्तों, मिस्र जहाँ अपने इतिहास और सभ्यताओं के लिए जाना जाता है, तो वही मिस्र ने एक बहुत ही खास चीज दी है दुनिया को। आज हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वो मिस्र के प्राचीन लोगों ने बनाया था। हालांकि उनके कैलेंडर के हर महीने में सिर्फ 30 दिन होते थे, साल में सिर्फ 360 दिन, लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस किए गए, लेकिन कैलेंडर की रेन मिस्र की है। इसी के साथ दोस्तों, समसामयिक रूप से महत्व रखने वाली और दुनिया में इंजीनियरिंग का चमत्कार माने जाने वाली स्वेज नहर 1869 में मिस्र में बनकर तैयार हुई थी। इस नहर के जरिए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा गया था। समुद्री बिजनेस में क्रांति आ गई थी दोस्तों। खोजों के लिए मशहूर मिस्र में कई सभ्यताएं, पुरानी ममीज का लगातार मिलना जारी रहा। इससे ही जुड़ा एक शोध भी सामने आया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक ममी को लैब में टेस्ट किया गया। रिसर्च के बाद पता चला कि प्राचीन मिस्र में लोग शवों को सुरक्षित रखने के लिए किसी सामग्री का इस्तेमाल करते थे। एक बड़ी जानकारी सामने आई। दरअसल इन सामग्रियों को भारत जैसे एशियाई देशों, लेबनान आदि से आयात किया जाता था। आपको पता है, एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने पाया कि बर्तनों के अंदर एशियाई पेड़ों से प्राप्त रेजिन, जो कि चिपकाने वाला पदार्थ है, और लेबनान से देवदार का तेल और डेड सी से कोलतार लाया गया। इससे पता चलता है कि उस समय बिजनेस कितना स्ट्रांग था, खासकर तब जब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी। इसी के साथ दोस्तों, एक बात जानकर आप और हैरान हो जाएंगे। मिस्र की सभ्यता के लोग बालों से बहुत नफरत करते थे। बालों के प्रति नफरत इतनी ज्यादा थी कि आप दुश्मन से भी ना करें। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए वो बाल नहीं रखते थे, बल्कि बाल की जगह एक टोपी पहनते थे, जिसे आप विग कह सकते हो। दरअसल इस टोपी को वो इसलिए पहनते थे कि सूरज की रोशनी से अपने सिर को बचा पाए। हालांकि इस देश में बहुत गर्मी होती है, इतनी गर्मी कि तापमान बहुत ऊपर जाता है और लोग
गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, इसलिए जो भी लोग यहाँ घूमने आते हैं वो गर्मी के मौसम को अवॉइड करते हैं और ठंड के मौसम में आते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम महिलाओं की बात करें तो मिस्र में एक समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिलाएं जमीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी, वसीयत लिख सकती थी, घर के बाहर जाकर काम कर सकती थी। जितने अधिकार महिलाओं के पास थे उतने ही पुरुषों के पास भी थे, लेकिन आज के समय में चीजें बहुत चेंज हो गई। इसी के साथ एक चीज और है मिस्र में, यहाँ पर जो बौना पैदा होता है वो बहुत ही खुशकिस्मत माना जाता है, क्योंकि उसका बौनापन उसे आसानी से नौकरी दिला देता है। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सोने की खदान में या कारखाने में नौकरी मिल जाती है। विचित्र शक्ल वाले लोग भी बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छी पहचान रखते हैं। इनको भी बहुत इजीली नौकरी मिलती है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इनको पकड़ना आसान होता है। दोस्तों, इस देश में एक बात और है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी का सबसे बड़ा उदाहरण इजिप्ट में देखने को मिला। बात है 2345 BC के आसपास की। इजिप्ट के महल की देखरेख करने वाले दो मर्द सिपाहियों को आपस में प्यार हुआ, जबकि वो दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, बच्चे वाले थे, लेकिन उनकी प्रेम कहानी ऐसी चली कि दोनों को मरने के बाद एक ही ताबूत में दफनाया गया। उनके कब्र पर एक छोटा सा किला भी बनाया गया, लेकिन आधुनिक इजिप्ट में होमोसेक्सुअलिटी को बैन कर दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नजर आया तो लोगों की खैर नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ की महिलाएं गर्भधारण से बचने के लिए एक अनोखा ही नुस्खा आजमाती हैं। दरअसल ये लोग शहद मगरमच्छ के गोबर को मिक्स करके योनि में डालते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ये बात कितनी सच है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक बात और बता दें, मिस्र सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन रहता है। जो लोग इतिहास को जानना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, रीति रिवाज संस्कृति को पहचानना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ आकर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, खूबसूरत पिरामिड्स और इसके इतिहास के साथ साथ कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आप ग्रेट गीजा जरूर जाइएगा, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। प्राचीन मिस्र के खुफू पिरामिड को ग्रेट गीजा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। 3,800 सालों में दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है ये। आपको बता दें कि इसकी लंबाई 146 मीटर है। इस पिरामिड में 230,000 पत्थर लगे हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं लक्सर शहर। जी हाँ, नील नदी के पूर्वी तट पर स्थित, जिसे वैली ऑफ किंग के नाम से भी जाना जाता है। ये मिस्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर म्यूजियम संग्रहालय के रूप में इसे पहचान मिली है। यहाँ के प्रसिद्ध और प्राचीनतम राजा तुतन खामुन और अमीन होटेप को दफनाया गया था। दोस्तों, ये है इस्लामिक काहिरा, जो पर्यटक के लिए एक खास जगह है। मध्ययुगीन मस्जिदें, स्मारक और मदरसों से भरी है जगह। यहाँ जाए तो सुल्तान हसन की मस्जिद मदरसा जरूर जाए। ये एक खूबसूरत शहर है जिसे एक्सप्लोर करना तो बनता है। दोस्तों, ये है अबू सिंबल रॉक टेम्पल, नासिर झील के पश्चिम किनारे पर स्थित। ये एक जुड़वा मंदिर है जो रोमेसिस द्वितीय और उसकी रानी नेफरतारी के याद में बनाया गया था। खड़ी पहाड़ों में बनाए गए इस मंदिर को मिस्र में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। आप इसे अपनी आंखों में बसा सकते हैं। दोस्तों, ये है सलादीन का गढ़, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल। मिस्र की राजधानी की रक्षा के लिए तैयार किया गया था ये। ये एक विशाल किला है जो कई निगरानी टावरों से घिरा है। इसके अंदर कई खूबसूरत मस्जिद और जोसेफ का कुआं भी है, जो सैलानियों के लिए अट्रैक्शन पॉइंट है। तो फिर दोस्तों, आप इन जगहों की सैर करने कब जा रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।